हाय एवरीवन। तो फाइनली श्री शिक्षा यत्न कॉलेज ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया और फाइनली आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो आइए इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि डिटेल वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, आपके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है तो वो नोटिफिकेशन पर हम लोग बात कर लेते हैं। देख सकते हो यूजी एडमिशन आपका स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 2024-25 का आपका स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हो आपका जो कोर्सेस रहेगा वो 4 साल का कोर्सेस रहेगा। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के जो अफिलिएटेड है सारे कॉलेजेस 4 साल का कोर्स है। अब इसमें आपको मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट रहेगा, आपको 3 साल में छोड़ना है तो 3 साल में भी आप छोड़ सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है 2024-25 का वो 4 साल का ग्रेजुएशन रहेगा। यहाँ पे अगर जो फॉर्म होगा www.shrishikshayatankollege.org पे आपको मिलेगा। स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू नॉट कम फिजिकली टू कॉलेज फॉर एनी इंक्वायरी। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलेज में आपको फिजिकली नहीं जाना है फॉर्म के रिगार्डिंग, कि फॉर्म ऑफलाइन वगैरह वगैरह मेरिट कब आएगा, एडमिशन से रिलेटेड सारा प्रोसीजर जो रहता है ऑनलाइन रहता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉलेज सारा चीज़ें ऑनलाइन ही करवाती है। जो भी आपको अगर क्वायरीज है तो आप ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हो, admission@shrishikshayatankollege.in पे आप कर सकते हो, ठीक है। और जो लाइबल अप्लीकेंट्स होंगे वो सारा मतलब कंप्लीट कर लेंगे, जो भी रिस्पेक्टिव मतलब विल ओनली बी कंसाइडर फॉर मेरिट लिस्टिंग। प्लीज़ इंश्योर डैट यू हैव कम्प्लीटेड ऑल द प्रोसीजर, ठीक है। तो जो लेवल कैंडिडेट हैं उनको मेरिट लिस्ट के लिए कंसाइडर किया जाएगा और आप जो रहेंगे पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने इम्पोर्टेंट में ये भी बोला है कि आप जो ईमेल आईडी दीजिएगा, हाँ ये बहुत मतलब बहुत ध्यान देना है, इसमें जो ईमेल आईडी दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान, उसमें आपको करेक्ट दीजिएगा और मतलब एक्टिव दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा जितने भी कम्युनिकेशन है फ्यूचर का, जो भी कम्युनिकेशन लाइक आपको SMS के माध्यम से वो लोग बताएंगे क्या क्या मतलब आगे का प्रोसीजर रहने वाला है, मतलब आपका लिस्ट आ जाएगा तो उसमें आपको मैसेज कर देंगे कि आपका लिस्ट में सेलेक्टेड हो चुका है, यहाँ से आप फीस पेमेंट कर सकते हो, ये सारा चीज़ें वो लोग भेजेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही अपना दे दीजिएगा कि सारा चीज़ें आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। और ये ध्यान रखिए सबसे चीज़ कि कोई भी आपको प्रॉमिस करे कि आपका एडमिशन हम करवा देंगे श्री शिक्षा यत्न कॉलेज में, पैसा मांगे आपसे, डिमांड करे, तो ये ध्यान दीजिए कॉलेज कोई ये सब लोगों से बोलता है कि आप सावधान रहिए। कॉलेज सिर्फ ऑथेंटिक प्रोसीजर से बोलता है, सबको गुजरना है, जो भी आप कैपेबल हो, जो आपके पास मार्क्स है वही मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। जो आप जितना लाए हो उतने के हिसाब से ये लोग एडमिशन लेंगे, कोई इसमें प्राइवेट कोटा कोई मिडिल मैन के चक्कर में आप नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा, आपके साथ धोखा भी हो सकता है और इस केस में कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी ऑथेंटिक प्रोसेस है वही गुजरिए, जैसे मैं बताता हूँ कि आप एक ईमानदारी से प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और एडमिशन लीजिए, अगर नहीं होता है तो दूसरे कॉलेजेस में ट्राई कीजिए, और शॉर्टकट मत लीजिए, शॉर्टकट लेने के चक्कर में आप फंस भी सकते हो। और जो एप्लीकेशन फ़ीस होगा वो 500 रुपया रहेगा आपका एप्लीकेशन फ़ीस, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें होता है एकोमोडेशन के लिए, यहाँ पर आपको अप्लाई करना, और ये गर्ल्स कॉलेज है ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो देख सकते हो कॉलेजेस एंड सब्जेक्ट ऑफर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता नोटिफिकेशन, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा आपको समझना पड़ेगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ये भी मैं बता दूंगा एक अलग वीडियो में, तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सारा चीज़ें देखना है तो यहाँ पे आप आके साइड में यहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए ये एप्लीकेशन कैसे, आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है, मैं बता देता हूँ आपको। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऑनलाइन एडमिशन 2024-25 क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। अभी आपके पास लॉगिन आईडी नहीं आया है, अभी नहीं कीजिएगा, आपको अप्लाई करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्लिक कर लेना है, वेट अ मिनट।
जैसे ही खोलिएगा तो देख सकते हो आपको श्री शिक्षा यत्न कॉलेज है, और ये गर्ल्स कॉलेज है। ध्यान रखिए अगर बॉयज़ देख रहे हैं वीडियो तो ये स्किप कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। तो आपको ऐसे फिलअप करना है, जो भी स्टार है उसमें मैंडेटरी है आपको सबमिट कर लेना है। जो सबमिट कीजिएगा उसके बाद ईमेल और एसएमएस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अप्लीकेशन पे, यानी आप जैसे सबमिट कीजिएगा तो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। ये मैं प्रोसीजर पूरा बता दूंगा कैसे आपको करना है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, ठीक है। मैं बस आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको बताया कि आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, 500 पर कोर्सेज के लिए आपको अप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, और बाकी डिटेल मैं जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, बाकी कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो अभी सबसे पहले तो मैं गाइडलाइन पूरा समझाऊंगा आपको, कोर्सेस एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह, उसके बाद मैं आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी आपके लिए पूरा बता दूँगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे समझने में, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे सारा चीज़ों को आपको समझा दिया जाएगा। ये ध्यान रखिए आपका, हाँ ये ध्यान रखिए, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तभी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। नहीं आया अभी रिजल्ट, जैसे CBSE वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी रिजल्ट नहीं आया, तो अभी वेट कीजिए, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तब वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी जिनका जिनका रिजल्ट आया वही अप्लाई करेंगे, जिनका नहीं आया वेट कीजिए, जैसे ही आएगा आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे टोटली मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, तो आपको नंबर यहाँ पे डालना मैंडेटरी है, ठीक है। जाहिर सी बात है मेरिट बेस्ड होगा तो नंबर डालिएगा, तभी तो आपका मेरिट बनेगा। तो इसलिए आपको वेट करना है, जैसे ही रिजल्ट आता है आपको वहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, और जिनका आ चुका है जो ड्रॉपर्स है वो कर सकते हो यहाँ पर अप्लाई, ठीक है। तो अभी आप वेट कीजिए, और एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 500 आपका अप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है, ठीक है। पर कोर्सेज के लिए आपको जितने जिसमें अप्लाई करना है आप कर सकते हो, लाइक बीकॉम ऑनर्स, बीए का जितने भी कोर्सेज हैं, बीएससी का जितने भी कोर्सेज हैं, बीबीए का जितने भी कोर्सेज हैं, तो आप उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी आप डिटेल डाल रहे हो ऑथेंटिक डालिएगा, कोई गलत नहीं डालिएगा, गलत डालिएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए जो भी डिटेल है वो सही डिटेल डालिए, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में बहुत लोग निकाल देते हैं। इसलिए आप जो भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पर डालिएगा ऑथेंटिक डालिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में चल के आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यही आपको पूरा जानकारी देना था, डिटेल वीडियो मैं आपके लिए जल्दी बना दूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ख्याल रखिए अपना।